वेलकम टू अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल। आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक पराठे की रेसिपी। जी हाँ, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट भी है। मूंग दाल के पराठे बनाएंगे हम आज, तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोस की अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। मूंग दाल के पराठों को बनाने के लिए मैंने लिया है 1/4 कप मूंग दाल और उसको 2-3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। भिगो के धोकर अब इसको हम मिक्सर में डाल देंगे और उसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और उसका एक पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। फिर इसमें डालेंगे हम 1/2 कप उबला हुआ, उबालकर मैश किया हुआ आलू, 2 कप डालेंगे आटा, 3/4 कप डालेंगे बेसन, कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा के दाने थोड़े से, 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और डालेंगे 2 चम्मच घी या तेल, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहे पराठों को बनाने के लिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा गूंद लेंगे। एक सॉफ्ट सा ही डो बनाना है हमें इसका। अब ये जो है डो हमारा लगभग हो चुका है तैयार। अब इस डो में से हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से उसका बनाएंगे एक पेड़ा और फिर थोड़े से सूखे आटे में इसको इस तरह से डस्ट कर लेंगे और फिर हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। और मैंने मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल किया है इसलिए एजेस बहुत स्मूथ नहीं है, तो मैं एक बर्तन से इसको राउंड कट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना काटे भी वैसे भी आप सेक सकते हैं या फिर आप वैसे कट करके एकदम किसी बर्तन से या कुकी कटर से कट करके एकदम राउंड शेप भी ला सकते हैं। अब इसको एक तरफ सिकने के बाद दूसरी तरफ हम इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ लगाएंगे घी। इस तरह से ब्रश कर लेंगे थोड़ी सी घी, या आप ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं पराठा बनाने में तो आप ऑयल लगा सकते हैं, कुछ भी। और फिर फ्लिप करके दूसरी ओर भी हमें उसी तरह से लगा लेना है घी या ऑयल। हल्के हल्के हाथों का प्रेशर देके हमें इसको सेक लेना है। अब ये देखिए, ये इस तरह से और ये हो गया हमारा बिल्कुल तैयार। गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है इसका और बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत आसानी से ही बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको बनाकर खाकर खिलाकर पसंद ज़रूर आएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहे अनुज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल और अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।